हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू बैक माय यूट्यूब चैनल। और आज की इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 की फिजिक्स की का क्रैश कोर्स जो है स्टार्ट करते हैं। तो हमारे फिजिक्स में कक्षा 12 की जो फिजिक्स है वो दो भागों में बटी हुई है, एक खंड क है एक खंड ख है। खंड क में आपको इन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करना है, खंड ख में इन टॉपिकों के बारे में अध्ययन करना है। तो आइए हम लोग जानते हैं, सबसे पहले आज हम आपको सामने जो है फिजिक्स को पढ़ाएंगे। तो आखिर फिजिक्स होती क्या है, फिजिक्स की उत्पत्ति कैसे हुई, वो आपको जानना जरूरी होता है। तो हम लोग जरा सा चर्चा करते हैं फिजिक्स क्या होता है, व्हाट इज फिजिक्स, आप साइंस की उत्पत्ति कहाँ से हुई, साइंस क्या है, तब आते हैं हम लोग फिजिक्स के बारे में जानते हैं। तो साइंस क्या होता है, साइंस आपको बताया गया कि साइंस SCIENCE साइंस शब्द की उत्पत्ति जो है सिंटिया नामक शब्द से हुई थी। किस शब्द से हुई थी, सिंटिया नामक शब्द से हुई थी, जिसका मतलब होता है सिंटिया का मतलब होता है जानना। क्या होता है भैया, सिंटिया का मतलब होता है जानना। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि किसी भी वस्तु के बारे में, किसी भी ऑब्जेक्ट के बारे में, किसी भी वस्तु के प्रायोगिक गुणों के बारे में अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। किसी के बारे में जानना, किसी के बारे में प्रयोगात्मक रूप से, प्रायोगिक रूप से अध्ययन करना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है, विज्ञान कहलाता है। या हम लोग ये भी बता सकते हैं कि किसी वस्तु को सुव्यवस्थित यानी अच्छे तरीके से व्यवस्थित रूप से पढ़ना, सुसंगठित यानी उसको जो है एक क्रमबद्ध में पढ़ना या क्रमबद्ध में अध्ययन करना ही वो आपका क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। जैसे अगर साइंस न रही होती, साइंस की जानकारी न रही होती, तो हम किसी वस्तु को या किसी भी वस्तु को जो है किसी भी ऑब्जेक्ट को एक क्रम से नहीं जानकारी पा पाते या एक क्रम से पढ़ न पाते, तो वो साइंस होता है। तो साइंस क्या होता है, साइंस शब्द की उत्पत्ति सिंडिया नामक शब्द से हुई है, जिसका मतलब होता है जानना। अर्थात किसी वस्तु के बारे में जानना ही क्या कहलाता है, साइंस कहलाता है। आइए, साइंस में एक भाग आता है फिजिक्स, साइंस के एक भाग है फिजिक्स, PHYSICS। फिजिक्स क्या होता है, ध्यान से समझिएगा, फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स एक डिफिनीशन होती है, फिजिक्स की एक वर्ड लिखते हैं PHYSICS इज वे टू गॉड, वे टू गॉड। इसका मतलब क्या होता है, आप कह रहे हो फिजिक्स इज वे टू गॉड, अर्थात फिजिक्स एक भगवान के पास जाने का मार्ग होता है, या फिजिक्स एक भगवान के पास पहुंचाने का कोई मार्ग होता है, ये नहीं होता। यहाँ फिजिक्स क्या होता है, फिजिक्स इज वे टू गॉड, कैसे कहा जा रहा है, फिजिक्स इज वे टू गॉड। आइए हम लोग इस जीओडी का मतलब समझते हैं, उस जीओडी का मतलब होता है, जी का मतलब होता है जनरेटर, क्या होता है भैया, जनरेटर, और ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, ओ पी ई आर ए टी ओ यू आर, और डी का मतलब होता है डिस्ट्रॉय, क्या होता है, डिस्ट्रॉय होता है। ध्यान से समझिएगा कि जी जनरेटर का मतलब होता है फिजिक्स जनरेट करती, फिजिक्स हम लोगों को निर्माण करती है, फिजिक्स हम लोग को बनाती है। जनरेटर का मतलब क्या होता है, बनाने वाला, जनरेटर का मतलब होता है बनाने वाला। तो फिजिक्स हम लोगों का निर्माण करती है। अब कहोगे कैसे निर्माण करती है, हम लोगों की शरीर 5 तत्वों से मिलकर बनी है, उन 5 तत्व किसकी देन है, प्रकृति की देन है, और प्रकृति का अध्ययन कौन कराता है, फिजिक्स कराता है, कौन कराता है, फिजिक्स कराता है। तो इसीलिए हमने कहा कि फिजिक्स हम लोगों को जनरेट करती है, फिजिक्स हम लोगों को निर्माण करती है, फिजिक्स हम लोग को बनाती है। दूसरा हम अगले वर्ड पे आते हैं, ओ, ओ का मतलब होता है ऑपरेटर, ऑपरेटर का मतलब होता है चलाने वाला, यानी फिजिक्स के बिना हम लोग चल भी नहीं सकते, फिजिक्स हम लोगों को चलाती भी है। जैसे आप लोग कोई मूवी और सिनेमा देखते होंगे, तो मूवी और सिनेमा को बनाने वाले कोई और रहते हैं, चलाने वाला एक ऑपरेटर होता है, उसी प्रकार यहाँ ऑपरेटर मतलब होता है चलाने वाला, यानी फिजिक्स हम लोगों को चलाती है। अब बताओ कैसे, चलने के लिए आपको हवा, ऑक्सीजन, जल, ताप की जरूरत है, वो सब किसकी देन है, प्रकृति की देन है। इसलिए कहा गया फिजिक्स निर्माण की, फिजिक्स चलाई, और डिस्ट्रॉय अर्थात फिजिक्स, डिस्ट्रॉय मतलब होता है नष्ट करना, तो फिजिक्स आपको नष्ट भी कर देती है। कैसे, अरे मरने, जब किसी भी इंसान की मृत्यु हो जाती है तो इसी 5 तत्वों में ही विलीन हो जाता है, जो कि प्रकृति की देन है। इसीलिए कहा गया फिजिक्स इज वे टू गॉड, यानी फिजिक्स हम लोगों को जनरेट की, फिजिक्स हम लोगों को चलाई, फिजिक्स हम लोगों को नष्ट कर दी, इसीलिए हम लोग कहते हैं फिजिक्स इज वे टू गॉड। एक और हम लोग बता सकते हैं फिजिक्स क्या होता है, अब फिजिक्स की हिंदी क्या होती है, फिजिक्स की हिंदी होती है भौतिकी, क्या होती है भैया, भौतिकी। आखिर भौतिकी क्या होती है, भौतिकी विज्ञान की वह शाखा होती है
भौतिकी प्राकृतिक विज्ञान की वह शाखा होती है जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक प्राकृतिक के बारे में अध्ययन किया जा सकता है, या हम लोग यह भी बता सकते हैं कि इनमें ऊर्जाओं के स्थानांतरण का अध्ययन किया जाता है, कि हम लोग यह भी बताया जा सकता है कि द्रव्य के बारे में अध्ययन करते हैं। हम यहाँ एक डिफिनीशन और कह सकते हैं कि फिजिक्स को हम लोग परिभाषित नहीं कर सकते हैं, फिजिक्स एक प्राकृतिक विज्ञान की शाखा होती है जिसके अंतर्गत आप लोग द्रव्य ऊर्जा और ये सब का अध्ययन करते हैं। आइए हम लोग अपने टॉपिक पे चलते हैं। हमने आज आपको जो है क्रैश कोर्स के बारे में चर्चा किया है, तो आपके जो 30% सिलेबस काट दिए गए हैं, 70% जो सिलेबस बचे हुए हैं, उस 70% सिलेबस से आपको कहां से कहां नंबर मिलेंगे आप लोग को बताते हैं। सबसे पहले आता है फिजिक्स में आपको स्थिर वैद्युतकी पढ़ना है, और स्थिर वैद्युतकी खंड क का सबसे पहला चैप्टर होता है स्थिर वैद्युतकी क्या होती है, जिससे आपको पढ़ने के बाद 8 नंबर मिल जाएंगे। और हम लोग जो है इसके अगले क्लास में हम जो है आपको वो प्रश्न जरूर बता दिया जाएगा कि जिन प्रश्नों को आप पढ़ के, जिन प्रश्नों को हल करके पूरे के पूरे इस चैप्टर से 8 नंबर पा सकते हैं पूरे के पूरे। चलिए स्थिर वैद्युतकी के बारे में जरा सा हम लोग जान लेते हैं, जिससे आप लोगों को 8 नंबर मिलने वाला है। स्थिर वैद्युतकी क्या होती है, आइए देखते हैं हम लोग स्थिर वैद्युतकी। स्थिर वैद्युतकी फिजिक्स की एक शाखा होती है, फिजिक्स की एक ब्रांच होती है, जिसके अंतर्गत हम लोग क्या करते हैं, एक आवेश को उठाते हैं और एक जगह रख देते हैं। क्या करते हैं, इसके अंतर्गत स्थिर वैद्युतकी के अंतर्गत क्या हमने कहा, स्थिर वैद्युतकी। आखिर स्थिर वैद्युतकी क्या होती है, तो हमने कहा स्थिर वैद्युतकी विज्ञान की नहीं, फिजिक्स की, भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत आप एक चार्ज को या प्लस या माइनस, कोई भी प्लस माइनस किसी भी चार्ज को एक जगह रख दीजिए और उसके बारे में आप अध्ययन कीजिए, उसके कारण उसके क्या गुण होते हैं, उसकी क्या विशेषताएं होती हैं, वो स्थिर वैद्युतकी के बारे में आता। यानी पूरा पहला चैप्टर आप एक आवेश को उठा के रखेंगे एक जगह और उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो आपकी क्या कहलाती है, स्थिर वैद्युतकी कहलाती है। इस चैप्टर में आपको सबसे पहला टॉपिक पढ़ना है कूलाम के नियम, फिर उसके बाद दूसरा आता होगा अच्छी स्थिति तथा निरक्षीय स्थिति, वैद्युत ध्रुवागोल, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, बहुत सारी हेडिंगें हैं और अच्छी अच्छी हेडिंगें हैं, तो इन सब को पढ़ के आप 8 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। फिर हम लोग आते हैं वैद्युत धारा या धारा वैद्युत, जो कि सेकेंड यूनिट है, दूसरा चैप्टर है। इस चैप्टर से आपको 7 नंबर पूरे मिलने वाले हैं, और इस चैप्टर के बारे में हम लोग जानते हैं धारा वैद्युत या वैद्युत धारा क्या होता है, तो इसी को कहते हैं हम लोग वैद्युत गतिकी, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, वैद्युत गतिकी। अब कहोगे स्थिर वैद्युतकी, तो हमने जान लिया कि एक आवेश को रखकर जिस आवेश के बारे में अध्ययन करना है स्थिर वैद्युतकी कहलाती है। अगर हमने कहा कि आप बताइए भैया वैद्युत गतिकी क्या होती है, वैद्युत गतिकी क्या होती है, तो वैद्युत गतिकी क्या होती है, जो आप आवेश को रखकर अध्ययन कर रहे हो, इस बार हम लोग आवेश को गति करा देते हैं, आवेश की गति को गति करा के उसके बारे में अध्ययन करेंगे, वो आपकी क्या कहलाती है, वैद्युत गतिकी कहलाती है। एक बार हम लोग इसके बारे में फिर से बता देते हैं, स्थिर वैद्युतकी क्या होती है, कि आवेश को रखकर आवेश के बारे में अध्ययन करना ही स्थिर वैद्युतकी कहलाती है, और आवेश को गति करा के आवेश के बारे में अध्ययन करना ही वो क्या कहलाती है, वैद्युत गतिकी कहलाती है। तो इससे आपके 7 नंबर हो जाएंगे। आप तीसरा चैप्टर आएगा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव और चुंबकत्व, से आपको 8 नंबर मिलेंगे। इस चैप्टर से आपको 8 नंबर मिलेंगे। आइए हम लोग जानते हैं कि वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है। ध्यान से समझिएगा वैद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव क्या होता है, कि यदि किसी चालक में धारा प्रवाहित करते हैं, तो चालक में धारा प्रवाहित करने से चालक के चारों तरफ एक क्या उत्पन्न हो जाता है, चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। उसी के बारे में, यानी तार के, अगर तार को लपेट दिया जाए, कुंडली नुमा बना दिया जाए, आयत नुमा बना दिया जाए, लूप की आकृति दे दी जाए, तो उसके कारण जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होगी और जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा, वो आपको इस चैप्टर में पढ़ना है। बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड चैप्टर है, आपको पूर्ण 8 नंबर इस चैप्टर से भी मिल जाएंगे। अब आते हैं हम लोग इसी में, एक है चुंबकत्व, तो यानी हम लोग इसमें चुंबक के बारे में अध्ययन करेंगे कि चुंबकत्व क्या होता है और सब कुछ क्या होते हैं।
चौथा चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय प्रेरण तथा प्रत्यावर्ती धारा। इस चैप्टर से भी आपको 8 नंबर मिलते हैं। तो 8 नंबर इसमें वैद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या होती है, वैद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम आएंगे इसी में। उसके बाद आपके प्रत्यावर्ती धारा आ जाता है। प्रत्यावर्ती धारा में बहुत अच्छे टॉपिक हैं जिससे इन दोनों को मिलाकर आपको 8 नंबर मिल जाएंगे। फिर लास्ट आता है, इस खंड का लास्ट चैप्टर आता है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, जो कि सबसे छोटा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको 4 नंबर मिलते हैं। इस प्रकार 8, 7, 15, 8, 23, 8, 31, 4, 35 नंबर आपके खंड क से तैयार हो जाते हैं। सबसे ज़्यादा नंबर देने वाला चैप्टर आता है खंड ख का पहला चैप्टर प्रकाश की। प्रकाश की भी भौतिक विज्ञान की एक शाखा है जिसके अंतर्गत हम लोग प्रकाश के बारे में अध्ययन करते हैं, प्रकाश के प्रकाश पर आधारित यंत्रों के बारे में अध्ययन करते हैं। इस चैप्टर से पूरे के पूरे 13 नंबर मिलेंगे और हम आप लोगों से एक वादा करते हैं कि पूरे इस चैप्टर के पूरे 13 नंबर नहीं, हर एक चैप्टर के हर पूरे पूरे नंबर पाने आपको मिलेंगे और मेरी जिम्मेदारी है। अब इसी में दूसरा आता है द्रव्य तथा विकिरण की द्वैत प्रकृति। इसमें क्या होता है, इसमें आप लोगों को प्रकाश के दो दो प्रकृति के बारे में अध्ययन करना पड़ेगा, एक तो द्रव्य के रूप में और एक विकिरण के रूप में, अर्थात एक प्रकाश कैसे तरंग के रूप में व्यवहार करता है और एक कैसे विकिरण के रूप में विकिरण के रूप में उसका अध्ययन करेंगे। आइए अब हम लोग इसके इस चैप्टर से आपको कितने नंबर मिल जाएंगे, 6 नंबर। अब आपका जो तीसरा चैप्टर आता है परमाणु तथा नाभिक, जो कि पूरा थ्योरी चैप्टर है, जो जिन लोगों का जो है न्यूमेरिकली पोर्शन वीक है वो इन दोनों चैप्टर को जरूर ध्यान देंगे, इन दोनों चैप्टर से अच्छे नंबर पा सकते हैं। इनमें परमाणु तथा नाभिक से 8 नंबर मिलते हैं। इनमें पूरा पूरा परमाणु और नाभिक के बारे में अध्ययन किया गया है। लास्ट चैप्टर आता है इलेक्ट्रॉनिक युक्तियाँ, जो कि सबसे अच्छा चैप्टर है और इस चैप्टर से आपको 8 नंबर मिलते हैं। इसमें क्या होता है, अर्धचालक पढ़ना है, ट्रांजिस्टर पढ़ना है, इसी में आपको NPN PNP ट्रांजिस्टर के बारे में कराया जाएगा और इस चैप्टर से आपको 8 नंबर मिलते हैं। आज हम आप लोगों को जो है इस पूरे फिजिक्स में जो 70 नंबर के प्रश्न बनते हैं, उस 70 नंबर के प्रश्न की कौन कौन से चैप्टर से कितने नंबर आते हैं वो आपको बता दिए गए। अब हम जो है आपके पहले चैप्टर की क्लास में जो है, या हम कह सकते हैं कि पहले चैप्टर में वो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताने चल रहे हैं, उन क्वेश्चन को हम लोग समाधान करेंगे, जो कि आप लोगों को आप लोग के लिए बहुत ही ज़रूरी है। चलिए।